Hey guys, so we are now heading to the Bagel Fort, which is about 15-20 minutes from here, and we are just waiting for our cars to arrive. This is the front reception. So we are heading towards the Bagel Fort and driving through the beautiful city. And this has got many nice bungalows and kotis all around. So hum log pahunch gaye abhi Bagel Fort ke paas. This is the ticket counter and there is a clock also. So here the payment is only cash. And wow. तो हमने ले लिया टिकट और अभी हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ. और वो काउंटर वाले से पूछा कितना टाइम लगता है फोर्ट घूमने में, तो इट टेक्स अबाउट 1 घंटा लगेगा. ये देखो, आज तो हमारा Bagel Fort का ट्रिप स्टार्ट हो गया है. एंड मैं अभी सोच रहा था कि किसी ज़माने में इस फोर्ट में इन सब जगहों पे टीपू सुल्तान घूमता होगा. मुझे नहीं पता ये है क्या, आई थिंक वॉच टावर है ये, बट इस पर एकदम चढ़ने के लिए रोड बनाया हुआ है. और ये क्या है, सॉरी कुछ तो है, काफ़ी स्टीप है यार, एकदम स्टीप. तो हम लोग पहुंच गए हैं इसके आई थिंक टॉप वॉच टावर पे. और यहाँ से वाव, कैमरे में तो नहीं दिखेगा बट पूरा फोर्ट का सी का व्यू आ रहा है. दैट देयर इज अ सी और दिस साइड आल्सो, देखो इधर देखो. तो गाइस यहाँ का वाइब एक्चुअली में बहुत अच्छा है. ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एकदम बहुत बड़े कोकोनट प्लांटेशन में आ गए. ऑल अराउंड आप देख सकते हो कोकोनट ट्रीज है. और ये फोर्ट था तो ऑफकोर्स ये समुंदर के किनारे है, तो बहुत ही अच्छा आपका लहरों का व्यू है यहाँ पे. तो वॉच टावर से व्यू लेने के बाद हम आ गए हैं नीचे. आम का पेड़ है ये वैसे, देखो छोटा सा आम का पेड़ और पत्ते इसके कितने अलग हैं. यो, तो ये फोर्ट एक्चुअली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अनयूज होने के कारण यहाँ पे काफ़ी घास हो गई है, खास करके बिकॉज अभी बारिश का मौसम है. और ये देखो पूरा पूरा फोर्ट जो है वो ग्रीनरी से भर चुका है. और हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा वेव्स का व्यू. तो ये देखो वाव, सिंपली अमेजिंग. और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं पूरे फोर्ट के. बाहर निकलने का रास्ता है ये. सो गाइस एक्चुअली आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं फोर्ट आके फोर्ट घूमना चाहता हूँ, बिकॉज फोर्ट्स मैंने कई सारे देखे हुए हैं, बट ये फोर्ट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है. काफ़ी बड़ा फोर्ट है, बहुत अच्छी कंडीशन में है. और यहाँ पे जो वेव्स हैं वो वेव्स बिल्कुल अलग लेवल पे है. बिल्कुल भाई साहब, मतलब आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ. तो गाइस ये हम आ गए हैं वॉच टावर पे. एंड वाओ,
See, look at the waves. Wow. गई ये देखो यहाँ पे लोकल लोग मछली पकड़ रहे हुआ। ये देखो पूरा अरेबियन सी का व्यू, इंडियन ओशन अपना। देखो आप समंदर के किनारे किनारे वॉक कर रहे हो, दिस वॉक दैट वी आर डूइंग इज ऑन दिस ब्यूटीफुल पाथवे एंड जस्ट ऑन द अदर हैंड यू हैव द ओशन, अ प्लेस ऑन अ डिफरेंट लेवल। देखो ना व्यू, अमेजिंग, व्हाट एन ओपनिंग। और चलते चलते हम एकदम किले के किनारे आ गए और ये देखो यहाँ पे लोग फोर्ट को एंजॉय करते हुए, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, द सीज रोलिंग लाइक एनीथिंग। वाव, तो गाइस फोर्ट ट्रिप करने के बाद हम यहाँ पे फोर्ट के अंदर ही एक फूड स्टॉल है वहाँ रुके हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे। ये देखो यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे आप पाइनएप्पल, वाटरमेलन ये सब ले सकते हो और कुछ स्नैक्स आइटम्स भी हैं। दिस इज इट, ये यहाँ पे फोर्ट के ऊपर एक पुराना बैंगलो जैसा है और ये देखो एक पुराना बैंगलो है, मे बी अंग्रेज़ों ने बनाया होगा क्योंकि देख के तो काफ़ी पुराना लग रहा है। हमने अपना बेकल फोर्ट का ट्रिप कंप्लीट कर लिया एंड इट वाज अ रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि मैंने बहुत सारे फोर्ट्स देखे हुए हैं बट ये फोर्ट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडीशन में है
please let me know if you'd like me to cover something else in the vlog.